सारिया नू जैमसी दी वड्डे दिन वाली जैमसी दी खुश हो के कहो हाँ हालेलुया प्रभु का शुक्र है खुदा का धन्यवाद है चंगे समय दे ले जो खुदावंद खुदा ने साड़ी सब की जिंदगी बख्शिया कि असी प्रभु के चरणों च बैठ के उसकी महिमा कर सकीए उसकी वड्याई कर सकीए प्रभु महिमा दे योग है बोलो हालेलुया वो आदर दे योग है बोलो हालेलुया सारी महिमा यीशु मसीह दे नाम नू मिले बोलो हालेलुया परमेश्वर अद्भुत खुदा है और अद्भुत काम साड़ी जिंदगी च करता है अज असी उस दे नाम की महिमा करने वास्ते आए हाँ पूरे संसार दे विच क्रिसमस का दिन जो है मनाया जा रहा है सारा संसार इस दिन प्रभु यीशु मसीह दे संसार दे विच आउन नू और यीशु मसीह दे उस देह तारन नू यीशु मसीह दे जन्म नू मना रहा है और खुशी कर रहा है कि वह मुक्ति दाता इस संसार दे विच आया बोलो हालेलुया मैं धन्यवादी हाँ कि तुसी सब इस जगह ते आए हो पूरी रात तुसी साडे नाल चले कैरल दे लई घरां दे विच मुबारकबादी वास्ते और उसके बाद भी तुसी समय सिर आ गए खुदा का शुक्र है तुहाडा सब का धन्यवाद है रूहान टीवी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे साडे भाई जो इस नगर तो जां होर साडे जानण वाले भावें उह साडे विच इस जगह ते नहीं दूर जगह ते बैठे ने पर उह रूहान टीवी दे द्वारा सानू लाइव वेख रहे हैं बोलो हालेलुया हालेलुया प्रभु इन्हां नू बहुत बरकत दे धन्नवादी हाँ साउंड सिस्टम गोल्डी कमाण वालियां दा कि जो बहुत अच्छे साउंड दे नाल प्रभु की सेवा कर रहे ने और इन्हां दे इस सेवा दे नाल इन्हां दे आउण दे नाल साडी आवाज़ जिहड़ी है पूरे नगर दे विच पहुँच रही है बोलो हालेलुया प्रभु की बाणी दे विच लिखिया जो कुछ भी तुसी करो परमेश्वर दे लई करो असी खुदावंद खुदा दे लई करदे आ थोड़ा समा तुसी प्रभु की बाणी नू सुनना खुदा दे वचन नू सुनना बड़े ध्यान दे नाल बड़ी तवज्जो दे नाल क्योंकि परमेश्वर दे वचन दा खुलना सानू चानण देंदा है हालेलुया उच्ची बोलो थोड़ा हालेलुया हालेलुया वड्डे दिन वाला हालेलुया हालेलुया प्रभु का वचन जेड़ा है साड़ियां जिंदगियां च साडे जीवनां च कार्य करता है खुदावंद खुदा का वचन साड़ी जिंदगी दे विच जाना साड़ी जिंदगी की तब्दीली लैके आता है अज जिस तरह पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह दे इस जन्म दिहाड़े नूं मना रहा है और खुशी कर रहे ने कि अज तो 2020 साल पहला प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच आए और ताकि संसार उसके द्वारा बचाया जावे आओ असी थोड़ा समा देखांगे प्रभु यीशु मसीह दा संसार दे विच आउणा किस तरह होया मत्ती दी अंजील एक अध्याय उसकी 18 तो 25 तक असी पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका एक अध्याय उसकी 18 आज तो लैके 25 तक यीशु मसीह दा जन्म इउं होया ध्यान ना सुनो यीशु मसीह दा जन्म इस तरह होया कि जां उदी माता मरियम दी उसदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कुड़माई होई सी यूसुफ दे नाल उदी कुड़माई होई सी ता उना दे इकट्ठे होण तो पहला उना दे इकट्ठे होण तो पहला ओ पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई तद ओदे पति यूसुफ ने उसदे पति यूसुफ ने जेड़ा धर्मी पुरख सी जेड़ा धर्मी पुरख सी अते ए नहीं सी चाहुंदा ए नहीं सी चाहुंदा भई ओनु कलंकन प्रगट करे उसनु कलंकन प्रगट करे ए दलील कीती ए दलील कीती जो ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਯੂਸਫ ਹੇ ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
बचाउन वाला, इस संसार नू एक जरूरत सीगी मुक्ति दाते दी, इस संसार नू लोड़ सीगी कि ऐसा जो संसार नू मुक्ति दवावे। बाणी दे विच लिखिया जदों खुदा ने आदम अते हवा नू बनाया, आदम अते हवा नू रचिया बाग दे विच रखिया और परमेश्वर उन्हां नाल गल्लां करदा सी, लिखिया खुदा दे नाल उह संगति करदे सी, पिता परमेश्वर ने उन्हां नू संगति वास्ते बनाया और खुदा दी आग्या दे विच रहिंदे सी, प्रभु दी आग्याकारी करदे सी। खुदा दी बाणी च लिखिया परमेश्वर शाम नू आउंदा ते उन्हां दे नाल गल्लां करदा सी। खुदावन खुदा ने आदम नू एक हुक्म दिता कि तू सब कुछ इस बाग दे विचों खा सकदा है, जो तेरा मन करे तू सारे फल खा सकदा है, पर एक दरखत जो बाग दे विचकार है तू इसका फल नहीं खाना। एक हुक्म आदम नू मिलिया पर आदम उस हुक्म ते नहीं रहा, आदम ने उस हुक्म नू तोड़ दिता और लिखिया आदम ने जदों वह फल खादा हुक्म टुट गया। परमेश्वर अपने समय के मुताबिक आया, खुदा ने आदम नू आवाज मारी, हे आदम तू कित्थे है? ते आदम कहन लगा प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। पहला भी तो खुदा की आवाज आउंदी सी, पहला भी तो खुदा जदों आउंदा सीगा उदों खुदा नाल गल्लां करदा सी, पहला भी उही आवाज परमेश्वर की सीगी, पहला भी उही खुदा सीगा, पर अज ऐसा ऐसा काम जिंदगी च हो गया, अज ऐसा गुनाह जिंदगी च हो गया, अज ऐसा पाप जिंदगी च हो गया जो खुदा ने मना किया सीगा, ओही गलती कर बैठा, ओही गुनाह कर बैठा, ते खुदा दे कोलो दूर हो गया। कहन लगा हे खुदा, हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुन के की होया? डर गया, क्योंकि जिंदगी च की आ गया? बोलो की आ गया? पाप आ गया, गुनाह आ गया। उस समय तो इंसान दे विच परमेश्वर दे विच दूरी पै गई, खुदावंद खुदा ने उसनू बाग दे विचों भेज दिता, वो बाग दे विचों निकल गया और परमेश्वर तो दूर हुंदा गया। जदों असीं बाणी नू पढ़दे, वचन नू पढ़दे, किस तरह खुदा तो इंसान जिहड़ा दूर जांदा रहा, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि इंसान जिहड़ा उहदे तो दूर रहे। खुदा ने ऐसी योजना बनाई, मैं अपने पुत्र नू भेजांगा, एक लोते नू भेजांगा, वो सेवियर होएगा, उहदा नाम यीशु होएगा, यीशु दा मतलब बचाउण वाला, मैं यीशु नू भेजांगा जिहड़ा पूरे संसार नू बचाएगा। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग दूत ने आके यूसुफ नू दसिया, वो एक पुत्र नू जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। हां जी, अते ओ पुत्र जनेगी, ओ पुत्र जनेगी, अते तू ओदा नाम यीशु रखी, तू ओदा नाम यीशु रखी, क्यों जो ओ अपने लोका नू, अपने लोका नू, ओना दे पापा तू, ओना दे पापा तू बचावेगा, बचावेगा। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह दा संसार दे विच आउणा ताकि संसार ओदे द्वारा बचाया जावे। यीशु मसीह इस संसार दे विच आए ताकि संसार मुक्ति प्राप्त करे। इंसान मुक्ति नहीं पा सकता सी, इंसान छुटकारा नहीं पा सकता सी, इस संसार नू एक मुक्ति दाते दी जरूरत सी। और बाणी दे विच असीं जदों पढ़दे बार बार प्रभु यीशु मसीह दे बारे भविखवाणियां कीतियां गईयां, जिशाया ने भविखवाणी की 7 अध्याय दे विच एक कुवारी गर्भवती होएगी, लिखिया तुहाडे लई इह निशान होएगा कि कुवारी जो है वह गर्भवती होएगी, वह बेटे नू जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर साडे संग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दा संसार दे विच आउणा, परमेश्वर ने एक योजना बनाई ताकि तुसी ते मैं बचाए जाइए, ताकि साडा जीवन बचाया जावे, साडी जिंदगी बचाई जावे। इस वड्डे दिन दा मकसद अज असी अपनी जिंदगी च समझना आया, पूरा संसार इस वड्डे दिन नू मना रहा है, असी बहुत आनंद करते हाँ, असी बहुत खुशियां करते हाँ। चंगी गल है, ध्यान ना सुनो, खुदा दी बाणी दे विच लिखिया हर एक गल दा एक समा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हर काम दा समा है, पर हर गल नू समझना है। असी परमेश्वर यीशु मसीह दा जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत अच्छी गल है, क्योंकि वो आज तो 2000 साल पहला संसार दे विच आया। जे यीशु मसीह संसार दे विच ना आउंदे ते संसार दा छुटकारा होना नहीं सीगा, और यीशु मसीह संसार दे विच आए ताकि संसार बचाया जावे। उस दे जन्मदिन नू ते असी मना रहे हैं,
अज ओदे आउण दा कारण जानना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर्फ ए नहीं कि असी बड़े दिन ते बहुत खुशियां कीतियां, असी लाइटां लगा लिया, असी असी स्टेज सजा ली, साउंड लगा लिया, असी मूवी आले बुला ले और बढ़िया तरीके नाल बहुत खर्चा कीता, चंगी गल है, पर इस दे पिछे करन दा कारण की है? बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कारण ये है ताकि तुसी ते मैं प्रभु यीशु मसीह नू अपना लिए, यीशु मसीह नू जिंदगी दे दईए, यीशु मसीह नू जीवन दे दईए, ताकि साडा जीवन ओदे नाम दे विच बचाया जावे। क्योंकि खुदा दी बाणी दे विच लिखिया, इस आकाश दे हेठां धरती दे उत्ते ते मनुखां दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया। इको नाम है, वो यीशु नाम है, और वो यीशु नाम दे विच मुक्ति है। यीशु नाम नू अपनाउणा है, ते जे यीशु नाम नू अपनावांगे, यीशु मसीह नू अपना लवांगे, ते असी मुक्ति प्राप्त कर सकदे आ, असी उदार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उदार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह तो है। यीशु मसीह ने अपनी जान देके अपना खून बहा के सानू आजाद किया है। जिहड़ा यीशु मसीह दे उस लहू दे अंडर आ जाता है, उस लहू दे अधीन आ जाता है, उस दे पाप यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा साफ हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उहदा संसार दे विच आउण दा कारण सीगा ताकि तुसी ते मैं बचाए जाओ। यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय उसकी एक आयत तो पढ़ो। यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय दी एक आयत तो। आदि विच शब्द सी। बोलो हालेलुया हालेलुया। सब उच्ची आवाज बोल दो हालेलुया हालेलुया। दोवे हाथ उठा के बोल दो हालेलुया हालेलुया। उच्ची आवाज बोलो हालेलुया हालेलुया। ध्यान ना सुनो, आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी। शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द ही परमेश्वर सी। बोलो हालेलुया। आद विच की सी? शब्द सी। शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। ओही शब्द देहधारी होके आया। यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र इस संसार दे विच उसने एक देह नूं उतारिया, उह शब्द सीगा, और सारा कुछ शब्द दे द्वारा रचया गया। पढ़ो, एहो आद विच परमेश्वर दे संग सी। एहो आद विच परमेश्वर दे संग सी। सबो कुछ ओसे तो रचया गया। सब कुछ ओसे तो रचया गया। अते रचना विच, रचना विचों एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची। एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी। ओदे विच जीवन सी। अते ओ जीवन इंसान दा चानन सी। ओ जीवन जेड़ा इंसान दा चानन सी। ओ चानन हनेरे विच चमकदा है। ओ चानन हनेरे विच चमकदा है। पर हनेरे ने ओनू ना बुझाया। हनेरे ने उसनू ना बुझाया। परमेश्वर दी वल्लों यूहन्ना नामे एक मनुख भेजिया होया। परमेश्वर दी वल्लों यूहन्ना नामे एक मनुख भेजिया गया। ए साखी दे लई आया। ए साखी दे लई आया। भई चानन उत्ते साखी देवे। चानन दे उत्ते साखी देवे। तां जो सब लोग ओदे राही नेचा करन। सब लोग ओदे राही नेचा करन। ओ आप चानन दा नहीं सी। ओ आप चानन दा नहीं सी। पर ओ चानन उत्ते साखी देन आया सी। चानन दे उत्ते साखी देन आया सी। सच्चा चानन जेड़ा हरेक मनुख नू उजाला करदा है। हरेक मनुख नू उजाला करदा है। जगत विच आउण वाला सी। ओ जगत विच आउण वाला सी। ओ जगत विच सी। ओ जगत विच सी। अते जगत उस तो रचया गया। जगत उसे तो रचया गया। पर जगत ने ओनू ना पछाता। बोलो हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसे लाइन। ओ जगत विच सी। अते जगत उस तो रचया गया। जगत उस तो रचया गया। यीशु मसीह संसार दे विच सिर्फ उसने देह धारी अज तो 2020 साल पहला ओ जगत सीगा। बोलो हालेलुया। ओ आद ते अंत है। ओ अल्फा ते ओमेगा है। वो सदा सदा दा परमेश्वर है। लिखिया वो बदलता नहीं। वो जगत विच सीगा और जगत उससे तो रचिया गया। आद विच शब्द सी। शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये नहीं होया कि यीशु मसीह परमेश्वर जेड़ा है आज तो 2020 साल पहला जन्म है। लिखिया वो जगत विच सी। सिर्फ उस शब्द ने देह नू तारिया। उस शब्द देह बन के आया ताकि आदम जेड़ा देह दे विच खुदा दे नालो वक्ख होया सी उसे देह दे विच आके फिर इंसान दे नाल परमेश्वर दा मेल करा सके। परमेश्वर ने आप ऐसा प्लान बनाया कि यीशु मसीह नू शब्द नू देह तार के आना पिया
ताकि संसार ओदे द्वारा बचाया जावे। हाँ जी पढ़ो इसे आयत नू। ओ जगत विच सी, ओ जगत विच सी, अते जगत उस तो रचया गया, जगत उससे तो रचया गया, वो पहला ही जगत विच सीगा, वो आद विच सीगा, वो शब्द सीगा, वो शुरू विच सीगा, वो आखिर विच है, वो अंत तक रहेगा, वो कदी बदलेगा नहीं, वो जगत विच सी। अते जगत उस तो रचया गया, जगत उससे तो रचया गया, पर जगत ने ओहनू ना पछाता, जगत ने उसनू अज भी असी बड़ा दिन ते मनाने हैं पर उसनू पछाण दे नहीं, बड़े दिन दिया खुशियां ते करदे उसनू पछाण दे नहीं। मैं छोटा जिहा मैसेज तुहानू देना चाहना है कि इस वड़े दिन ते ऐसा जीवन बना लीए, ऐसी जिंदगी बना लीए कि ये वड़ा दिन साड़ी अपनी जिंदगी दे लई वड़ा हो जावे। हालेलुया, साड़ी जिंदगी दे लई वड़ा दिन होवे। वड़ा दिन दा मतलब उदों थानू समझ आएगा जदों तुसी अपनी जिंदगी यीशु मसीह नू दे दोगे। जदों यीशु मसीह दा जन्म होया और लिखिया उस समय उसे जन्म लैण वास्ते कोई घर ने किसी ने दरवाजा नहीं खोलिया, उसने एक तबेले दे विच, एक तबेले दे विच जन्म लैणा पिया। लिखिया गडरियां नू तुसी बालक नू कपड़े दे विच लपेटिया ते खुरली दे विच पिया होया वेखोगे और उसनू जगह नहीं मिली। अज प्रभु यीशु मसीह इस संसार दे विच ने, प्रभु यीशु मसीह साडे नाल ने। लिखिया ओ शुरू तो सीगा, ओ जगत विच सी, जगत ने उसनू नहीं जानिया, अज भी असी उसनू नहीं जान रहे। ए नहीं कि ओ 2000 साल पहला आया, मर गया और चलिया गया। उहदा नाम दा मतलब है इमैनुअल और इसका मतलब है प्रभु अज भी साडे। हालेलुया, हालेलुया। अज असी अपने दिलां नू खोलीए ते प्रभु नू अपने दिलां च, अपने मनां दे विच उसनू उतारीए। वड्डे दिन दा मतलब ही तां समझ आएगा जे असी प्रभु नू अपनी जिंदगी च उतार लवांगे। साडे लई सब तो वड्डा दिन ही हो जाएगा जदों यीशु साडी जिंदगी च आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जदों यीशु साडी जिंदगी च है वह है वड्डा दिन, ते जे यीशु नहीं है ते फिर कोई वड्डा दिन नहीं है, फिर कोई क्रिसमस नहीं है, फिर साडे मनाउण दा भी कोई फायदा नहीं जे यीशु मसीह साडे हिरदे च नहीं है। अज असी इस गल नू सिखिए कि वो शब्द जिहड़ा जगत विच सी, जगत उसे तो रचिया गया पर जगत ने उसनू ना जाणिया, अज असी यीशु मसीह नू जान लईए। उस तो बिना असी अधूरे हैं। यीशु मसीह नू अपनी जिंदगी च लै लईए। पढ़ो, ओ अपने घर आया, ओ अपने घर आया और जिहड़े उसदे अपने सन, जेड़े उसने अपने सन, उन्होंने उसनु कबूल ना कीता, उन्होंने उसनु कबूल ना कीता, पर जिन्हें ने उसनु कबूल कीता, पर जिन्हें ने उसनु कबूल कीता, उसने उन्होंने परमेश्वर दे, परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें ने कबूल कीता उन्होंने परमेश्वर दे तीआं ते पुत्र होण दा हक दिता। जे असी यीशु मसीह नू कबूल करदे हैं ते परमेश्वर सानू अपने तियां ते पुत्र होण दा हक दिंदा है। मुक्ति प्राप्त करना परमेश्वर दे तियां ते पुत्र होण दा इको ही रस्ता है, वह है यीशु मसीह, जिस दे नाम दा मतलब है बचाउण वाला। वह संसार दे विच आया ताकि संसार बचाया जावे। अज उस नाम नू अपनी जिंदगी च लै लईए, अज उस नाम नू अपना लईए। हाँ जी, पर जिन्हें ने उसनु कबूल कीता, जिन्हें ने उसनु कबूल कीता, उसने उन्हां नू परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, पुत्र होण दा हक दिता। अर्थात जिन्हां ने उसदे नाम उत्ते नेचा, अर्थात जिन्हें ने उसदे नाम उत्ते नेचा कीती, ओ ना लहू तो, ध्यान ना सुनियो, ना ता लहू तो, ना शरीर दी इच्छा, ना उस शरीर दी इच्छा तो, ना पुरख दी इच्छा, ना पुरख दी इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा होए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना शरीर तो, ना शरीर दी इच्छा तो, ना पुरख तो, लिखिया परमेश्वर तो पैदा होया। प्रभु यीशु मसीह दा जन्म एक अद्भुत सीगा। तुहानू पता जदों मयूसी जिहड़े सीगे उह तारा वेखदे चलदे आए, तारा लगा होया सी और तारा उहनां नू राह दिखा रहा सी। तारा देखदे देखदे चलदे आ रहे आ क्योंकि उहनां दी जिहड़ियां किताबां सी उह इह दसदियां सी इक बहुत वड्डा राजकुमार दुनिया ते पैदा होया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। उह बड़े तगड़े विद्वान सी, उह तारियां दा ज्ञान रखण वाले सी। उन्हां नूं इह पता सी इक बहुत वड्डा राजकुमार पैदा होया। तारे नूं वेखी जा रहे, चलदे जा रहे आ और जदों उत्थे पहुंचे ने जाके सीधा राजे दे घर विच गए, राजे दे घर विच बैठे, राजे ने उतारिया, बह जाओ, कित्थों आए हो, दसन लगे फलानी फलानी जगह तो चले आ, साडियां किताबां इह बयान करदियां
एक बहुत वड्डा राजकुमार पैदा होया, असीं उहदे दर्शन करने आ, लैके आओ बाहर। राजा हैरान हो गया, बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। यीशु मसीह दा जन्म अद्भुत सीगा। राजा हैरान हो गया, कहिंदा तुसीं की कह रहे हो, मेरे घर कोई बालक पैदा नहीं होया, ये राजकुमार कौन हो सकता है? ओ यीशु मसीह दे जन्म नूं, जन्म ने उस राजे नूं हैरान करके, हालेलुया, जिहड़े एडा ज्ञान रखदे सी, विद्वान सी, ओ तारियां दा ज्ञान रखदे, ओ थोड़ी जी उन्होंने अपनी अकल दा इस्तेमाल कीता होना, राजे दे महल विच चले गए ते राजे नूं पुछन लगे, बालक किथे आ? जदों राजे ने कहा कोई बच्चा पैदा नहीं होया ते ओ भी की हो गए? बोलो हालेलुया, यीशु मसीह दा जन्म अद्भुत सीगा। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोल दो हालेलुया, हालेलुया। जदों गडरिए जिहड़े अपनी भेड़ बकरियां दी राखी करदे सी, अचानक सूरज चमकिया, अचानक लाइट उहनां दे उत्ते पई, और एक स्वर्ग दूत ने आकर उन्हां दर्शन दिता कि एक मुक्ति दाता पैदा होया, वह भी की हो गए? हैरान हो गए। बोलो हालेलुया। जदों जकरिया दे कोल स्वर्ग दूत ने आके गल कीती, जकरिया भी की हो गया? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो की हो गया? हैरान हो गया। उच्ची आवाज बोलो की हो गया? हैरान हो गया। बोलो हालेलुया। स्वर्ग दूत ही, स्वर्ग दूत मरियम दे कोल आया, मरियम ना गल कर रहा, ते मरियम नु कहन लगा कि एक स्वर परमेश्वर ने मैनू तेरे कोल भेजिया, तू पुत्र नु जन्म देगी। ते मरियम भी की होगी? बोलो की होगी? जदों यूसुफ नु पता लगा ते यूसुफ भी की हो गया? जदों राजे नूं पता लगा ते राजा भी की हो गया? ते जदों उन्हां मयूसियां नूं पता लगा ते राजे दे कोल गए ते वह भी हैरान हो गए, राजा भी हैरान हो गया, सारे हैरान होई जा रहे। फिर जदों महल चों निकले, फिर तारे ने उन्हां नूं डायरेक्शन दित्ती, तारे ने उन्हां नूं दस्या, फिर चलदे चलदे एक खुरली दे कोल गए, एक तबेले दे कोल गए जिथे बालक सीगा, और लिखिया उथे जाके वेख के हैरान हो गए होने आ, एडा वड्डा राजकुमार पैदा होया जिहड़े सारे संसार नूं बचाएगा। साडियां किताबां दे मुताबिक इह बहुत वड्डा राजकुमार है, और पैदा किथे हो रहा? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप नूं बहुत नीवियां कीता। अज उहदी उहदे जन्म तों इको ही गल सीख लो, यीशु मसीह राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा, थोड़ा जिहा तो बोल दे, 5-7 मिनट आपां बोलना होर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैनूं जवाब दिओ, यीशु मसीह राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा प्रभु है? ओह जिहड़े तारियां दा ज्ञान रखदे सी, सिद्धा राजे दे कोल गए भी इत्थे पैदा होया हो, पर यीशु मसीह एक तबेले दे विच, किसे ने अपने घर दा दरवाजा ही नहीं खोलिया कि उत्थे उहदा जन्म हो जावे, और एक तबेले दे विच उसका जन्म होया, खुरली दे विच पिया, कपड़े दे विच लपेटिया होया, और जदों आए होणगे ते हैरान होए होणगे, एडा वड्डा एडा महान राजा ते पैदा किथे हो रहा? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप नूं खाली कर दिता, यीशु मसीह ने अपने आप नूं नीवियां कर दिता, यीशु मसीह ने अपने आप नूं बहुत अधीन कर दिता। अज असीं अधीनताई सीख लईए कि यीशु मसीह दी अधीनताई मेरी जिंदगी चा जावे। लिखिया तुहाडा उही सुभाव होवे जो यीशु मसीह दा सीगा। ऐसा सुभाव, अपने आप नूं उसने नीवियां कर दिता, अपने आप नूं खाली कर दिता। जे असी प्रभु दे वचन च लिखिया जे तुसीं नीवियां खरोगे ते खुदा तुहानूं उच्चियां करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप नूं नीवियां कीता, पूरे संसार दा मालक बन के बैठा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखिया हर एक गोडा ओहदे अगे नवाया जाएगा, लिखिया हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह दा जन्म संसार च होया, अज असी उहनू अपने दिल दे विच जगह देनी है, ओ महान परमेश्वर नू, और उस दे वर्गा सुभाव, उस दे वर्गा जीवन अपना करना है। पढ़ो अगे, ओ ना लहू तों, ओ ना लहू तों, ना शरीर दी इच्छा तों, ना शरीर दी इच्छा तों, ना पुरख दी इच्छा तों, ना पुरख दी इच्छा तों, पर परमेश्वर तों पैदा होए। ओ परमेश्वर तों पैदा होया, किसे नूं पता नहीं सी, हैरान हो गया। मरियम नूं भी कोई पता नहीं, स्वर्ग दूत ने आके कह दिता कि तू एक पुत्र जनेगी, हैरान होगी। यूसुफ हैरान हो गया, सारे हैरान हो गए, क्योंकि पता ही नहीं है, पर क्योंकि परमेश्वर की मर्जी दे नाल हो रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जदों खुदा की मर्जी ना काम होंदे आ ते दुनिया की हो जाती है, हैरान हो जाती है। अद्भुत कार्य सीगा परमेश्वर का।
वो इंसान की इच्छा तो पैदा नहीं होया, लहू मास की इच्छा तो पैदा नहीं होया, परमेश्वर की इच्छा तो पैदा होया। हाँ जी, अते शब्द दे तारी होया, अते किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर होके। पढ़ो 14 आयत नूं दुबारा। अते शब्द दे तारी होया, शब्द दे तारी होया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आदि विच की सी शब्द, बोलो आदि विच की सी शब्द, ते शब्द ही परमेश्वर दे लिखिया, वह जगत विच सी, ते जगत उसे तो रचया गया पर जगत ने उसनू नहीं जानिया। वह शब्द सिर्फ दे तारी उसने, वह आदि ते अंत आ, वो अल्फा ते ओमेगा आ, वो शब्द दे तारी उसने अज तो 2020 साल पहला इंसान की दे तारी, ताकि इंसान के रूप दे विच आके इंसान नू बचाया जाए। हाँ, शब्द दे तारी होया, अते किरपा किरपा अते सच्चाई नाल, सच्चाई नाल भरपूर होके, भरपूर होके साडे विच वास कीता, साडे विच वास कीता, अते असा उसदा तेज, असा उसदा तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा दिठा, पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा दिठा। यूहन्ना ने उस उते साखी दित्ती, यूहन्ना ने उस उते साखी दित्ती, अते पुकार के आख्या, पुकार के आख्या, ए ओहो है, ए ओहो है जिहदे विखे मैं आख्या, जिहदे विखे मैं आख्या कि जो मेरे मगरों आउण वाला है, मेरे मगरों आउण वाला है, सो मैथों वड्डा बनिया, मैथों वड्डा बनिया, क्योंकि ओ मैथों पहला सी। यूहन्ना ने भी साखी दे दी, कहता वो मैथों की सीगा, पहला सी। हाँ, उसकी भरपूरी विचों, उसकी भरपूरी विचों असा सबना ने पाया, असा सबना ने पाया किरपा उत्ते किरपा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किरपा उत्ते किरपा, उसकी भरपूरी दे विचों, उसकी दया दे नाल, उसकी किरपा दे नाल सानू साडी जिंदगी जिहड़ी है वह बचाई जाती है। किरपा उत्ते किरपा हो गई, ताकि हुण जे असीं यीशु मसीह नूं अपनी जिंदगी च अपना लैने आ, अज यीशु मसीह नूं अपना जीवन दे दिंदे आ, यीशु मसीह नूं अपनी जिंदगी दे दिंदे आ, ते साडी जिंदगी बचाई जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। उच्ची आवाज बोलो हालेलुया, हालेलुया। वड्डे दिन दा यही मकसद है कि असीं अपनी जिंदगी खुदा नूं दे दईए। हालेलुया, हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनिया सब ने वड्डे दिन दा, किन्नू किन्नू पता वड्डे दिन दा? वेरी गुड। किन्नी तरीक नूं आउंदा? 25 तरीक। अगले साल किन्नी तरीक नूं आउणा? वेरी गुड। एक होर वड्डा दिन है अजे तो, पता तुहानूं? किन्नू पता? हाथ खड़ा करो, इहदे नूं वी वड्डा दिन आ। एक नहीं पता, एवें हाथ खड़ा करी जांदे। पढ़ो पढ़ो, थोमस दी सफनिया की किताब, एहो एहो मैं पढ़ना वड्डा दिन, इहदे नूं वी वड्डा दिन आ। सफनिया की किताब उसका एक अध्याय दी 14। हाँ, मीका नहूम हबकूक सफनिया हज़ई ज़करिया मलाकी तो पहला डैनियल होशिया जोएल अमोश उपदिया जुना मीका नहूम हबकूक सफनिया सफनिया हज़ई हगई तो पहला ज़करिया मलाकी तीन तीन दो तीन किताबा के पीछे सफनिया एक दी 14। पढ़ो, एक एक वड्डा दिन आने वाला जी। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। उच्ची आवाज बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक ते वड्डा दिन असीं मनाने ना हर साल, एक वड्डा दिन आने वाला बाइबल दसदी केड़ा आ। पढ़ो, यहोवा दा महान दिन नेड़े है। यहोवा दा महान दिन कदों है? नेड़े है, किसी नूं नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा दा महान दिन, ये ते वड्डा दिन आ, इहदे नालों भी एक वड्डा दिन नेड़े आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इहदे लई असीं बहुत तैयारियां कीतियां, एक महीने तो लगातार ये लगाना, गोल्डी साउंड वाले नूं साई दे दित्ती, असी रूहान टीवी वाले नूं साई दे दित्ती, असी टेंट वाले नूं साई दे दित्ती, सारिया ने नवे नवे कपड़े सवाले, क्योंकि सानू पता सी एक वड्डा दिन 25 तरीक नूं आ रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु दा वचन की कहिंदा, एक बहुत वड्डा दिन आउण वाला नेड़े है। पढ़ो दुबारा, यहोवा दा महान दिन, ध्यान नाल सुनियो, खुदा दा महान दिन नेड़े है। कदों आ? नेड़े है। बोलो सारे, कदों आ? नेड़े है। उची बोलो, कदों आ? तरीक नहीं दिती, यहोवा दा महान दिन नेड़े नेड़े है। कितना दा होएगा वो? पढ़ो, वो नेड़े है, वो नेड़े है, अते बहुत छेती करदा है, बहुत छेती करदा है। हाँ, यहोवा दी आवाज, हाँ यहोवा दी आवाज, सूरमा उत्ते कुड़त्तन नाल चिलावेगा। हाँ, पढ़ो, ओ दिन कहर दा दिन है। ओ दिन कादा है?
कहर दा दिन, कहर दा दिन है, दुख अते कष्ट दा दिन, दुख अते कष्ट दा दिन जे, बर्बादी अते वीरानी दा दिन, बर्बादी ते वीरानी दा दिन जे, अंधेरे अते अंधकार दा दिन, अंधेरे अते अंधकार दा दिन जे, बदल अते कालियां कटां दा दिन, बदल ते कालियां कटां दा दिन है, तुरी अते नारे दा दिन, तुरी अते नारे दा दिन। वो दिन पता केड़ा है, जदो अचानक प्रभु यीशु मसीह बदलां तों ओ एदे नालो भी महान दिन है। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओ एदे नालो भी वड्डा दिन है, और इस दिन की उड़ीक दे विच असी हां। लिखिया वो अचानक आन पेगा, दोबारा इन्हां आयतां नूं पढ़ो, ध्यान नाल सुनियो की कहिंदा। यहोवा दा महान दिन, यहोवा उस परमेश्वर दा महान दिन नेड़े है, नेड़े है, वो नेड़े है, वो नेड़े जे, अते बहुत छेती करदा, बहुत छेती करदा। ओदे लई तैयारी कर लिए, अपने आप नूं तैयार कर लिए, प्रभु यीशु मसीह नूं अपना लिए, उसके नाम नूं अपनी जिंदगी च लै लिए। वो दिन बहुत छेती करदा। लिखिया चोर दी न्याई तुहाडे उत्ते आन पेगा, लिखिया तुहानू चित चेता ना होएगा। अचानक जिस तरह गर्भवती औरत नू पीड़ा लग दिया, प्रभु दा दिन तुहाडे उत्ते आन पएगा। इस करके असी तैयार हो जाइए, अपने आप नू तैयार कर लिए, अपना जीवन यीशु मसीह नू दे दिए, अपनी जिंदगी यीशु मसीह नू दे दिए। ओ दिन इस दिन नालों भी वड्डा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत दिन है, ओ दिन आउन वाला है, उस लई प्रभु दा महान दिन है। ओ दे लई अपने आप नू तैयार करिए। हां जी पढ़ो, ओ नेड़े है, ओ नेड़े है, अते बहुत छेती करदा, बहुत छेती करदा जे। हां यहोवा दी आवाज, यहोवा दी आवाज, सूरमा उते कुड़तन नाल, सूरमा उते कुड़तन नाल चलावेगा, चलावेगा। ओ दिन कहर दा दिन है, ओ दिन कहर दा दिन जे, दुख अते कष्ट दा दिन, ओ दिन दुख ते कष्ट दा दिन जे, बर्बादी अते वीरानी दा दिन, बर्बादी ते वीरानी दा दिन जे, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ, 22:12। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ